एलडीएन कॉलेज कोटला खुर्द में एड्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। कॉलेज प्राचार्य किशोर भारद्वाज ने कहा कि इस बीमारी के प्रति युवाओं का जागरूक रहना आवश्यक है। देश के अलावा विश्व भर में यह बीमारी है, लेकिन अभी तक इसका पूर्णतया उपचार नहीं मिल पाया है, जिसके चलते युवाओं का इस बीमारी के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि इस बीमारी को लेकर जागरूक रहें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। हिम्मतकर्ष कन्या महाविद्यालय में एड्स जागरूकता सप्ताह दिवस पर महाविद्यालय की छात्राओं को एड्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसके उपलक्ष्य पर मैडम आरती ने बच्चों को संबोधित किया। क्योंकि ये एड्स जो बीमारी है, ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसके चपेट में पूरा विश्व है, और इसको कवर करने के लिए लगभग समस्त देशों की सरकारें, इवन भारतवर्ष जो है, बहुत प्रयास कर रहा है। और अगर हम युवा वर्ग को इसके बारे में जागरूक करेंगे तो आने वाले समय में इस बीमारी पर कम से कम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी पूर्ण रूप से इलाज नहीं हुआ है। तो युवा वर्ग का हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा अगर हम इस प्रकार की रैलियाँ करते रहेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट।